आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। गाजीपुर जमानिया नेशनल हाईवे क्रमांक 24 लगातार जानलेवा बनता जा रहा है। आए दिन इस हाईवे पर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बुधवार सुबह एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किसी रिश्तेदार के यहां गमी में जा रहा था। इसी बीच दुरहिया मोड़ पर उसकी बाइक एक तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने समझा बुझा कर हटाया। देखिए जमानिया से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। गाजीपुर जमानिया नेशनल हाईवे 24 जानलेवा बनता जा रहा है। दुर्घटना में फिर एक बाइक सवार की मौत। गाजीपुर के जमालिया दुरहिया के पास एक बाइक चालक की ट्रक की चपेट में आने से फिर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह मोहनिया बिहार के रतवार गाँव निवासी रिंकू राम कुमार पुत्र आशीष राम उम्र 32 वर्ष अपनी धर्मपत्नी गीता देवी 25 वर्ष राहुल वर 8 वर्ष के साथ नगर पालिका परिषद हरपुर दलित बस्ती निवासी किसी रिश्तेदार के यहां गमी में जा रहा था। जैसे ही नगर स्थित दुरहिया मोड़ से कुछ ही दूरी पर पहुंचा, उसकी बाइक गाजीपुर से सैयद राजा के तरफ तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई। दुर्घटना में बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गीता देवी 25 वर्ष तथा पुत्र 8 वर्ष को मामूली चोटें आई। मौके से ट्रक चालक ट्रक के साथ फरार हो गया। घटना की सूचना पर आसपास के सैकड़ों लोग पहुंचकर सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर घायल पत्नी और बच्चों को इलाज के लिए नगर के सरकारी अस्पताल पहुंचवाया। शव को सरकारी अस्पताल से कोतवाली ले गए, जिसके बाद पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा घायल मां बेटे का इलाज नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।